एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सुप्रिया। तो कैसे हैं आप सब, जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे शाम के 4:30 हो रहे हैं और मौसम थोड़ा सा अच्छा होकर रखा है। थोड़ी अभी हवा चल रही है और बिजली काफ़ी चमक रही है। और यहाँ पे मेरी बेटी है जो कि अपना पोयम बोलना स्टार्ट कर दी है। और अभी बारिश स्टार्ट हुई नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स लगाई, कुछ खास नहीं है, कुछ फूल के हैं, कुछ थोड़े बहुत ऐसे जो किचन में बेसिक चीज़ होते हैं यूज होने के लिए, करी लीव्स, मिंट लीव्स, तो वो भी मैंने थोड़े बहुत लगा लिए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मौसम बहुत अच्छा होकर रखा हुआ था, पूरा बादल बादल है। और ये यहाँ पर खड़ी है, इसे यहाँ से जाना ही नहीं था। और यहाँ पर मैं हूँ। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कैंची क्यों रखी, तो कैंची मैं इस कैंची से मैं प्लांट को कट करती हूँ तो फिर यहीं पर रख देती हूँ, तो इजी रहता है लेने में। तो यही कारण था कि मैं इसको यहाँ रखी। और अब जाके थोड़ी बहुत हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। और ये अपना हेयर रबड़ बैंड निकाल के पूरा अच्छे से है यहाँ पे, उसे अच्छा लग रहा है। और ये पी रही थी मिल्क शेक, और तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी तो जिसके कारण से ये छोड़ के भागी थी, तो बस उसी को मैं यहाँ पे फिनिश करवा रही थी। और उसे फिनिश करा लेने के बाद मैं आ गई किचन में वापस से। एक्चुअली लंच करने के बाद ना मैंने ना ही बर्तन धोया था ना ही किचन क्लीन किया था। तो किचन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदा था, थोड़ा बहुत गंदा था, तो मैंने सोचा उसे साफ कर लूँ और फिर जो भी बर्तन है उसे धो लूँ, उसके बाद फिर शाम की चाय और नाश्ता बनाऊँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में बर्तन धो लेने के बाद। और बाहर बारिश भी बहुत ज़ोर शोर की हो रही थी। और बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ शाम का नाश्ता, जो कि मैंने ये सब चीज़ें घर में ही बनाया है। ठेकुआ, नमकीन, मटरी बोल लीजिए आप या कुछ भी, ये गेहूँ के दोनों चीज़ मैंने गेहूँ के आटे से बनाया है। और यहाँ पे मैंने साथ में दाल भी भिगोने के लिए रख दिया है, रात को इसकी सब्जी बनने वाली है, जो कि रेसिपी इसकी आपको अभी बताने वाली हूँ। और साथ ही यहाँ पे मेरा चाय भी रेडी हो गया है, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए। आज की रेसिपी बहुत, जो मैं बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है और बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे कभी भी ट्राई करना, बहुत सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मैं चाय बना लेने के बाद उसे थोड़े से पानी में डाल के रख देती हूँ ताकि उसे साफ़ करना बाद में इजी हो, वरना वो सूख जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। तो इसी कारण से मैं उसे पानी में डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ चाय लेके। तो एक्चुअली ये बारिश हो रही थी तो डाइनिंग एरिया में ही ये काम कर रहे थे, तो मैं यहीं पे लेके आ गई। चाय का नाश्ता कर लेने के बाद मैं आ गई सब्जी बनाने। और यहाँ पे मैं ली हूँ आलू थोड़े से कट किए और ये चने, भिंगे हुए चने दाल। और यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक इसमें चॉप कर लिया है। ये बहुत चॉपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें ना बस प्याज कट कट के डालो और बस कुछ सेकंड में आपके प्याज कट के रेडी है। ऐसा नहीं कि प्याज, इसमें आप हरी सब्जी भी कट कर सकते हैं जैसे बीन्स, कैबेज, तो ये सब चीज़ भी थोड़े थोड़े डालकर आप आराम से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ में ही कुकर को रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। और जो भी उसमें चीज़ यूज होने वाली है वो भी मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये पचफोरन निकाला है मैंने। और जब कुकर थोड़ा गर्म हो गया तो मैं उसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो मैं जनरली हर सब्जी में सरसों तेल ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे ये पचफोरन है, इसमें जीरा, अजवाइन, मेथी, मंगरेला, सौंफ, ये सब चीज़ मिक्स करके रखती हूँ।
तो बस तेल गर्म हो जाने के बाद उसको मैंने डाल दिया, और साथ में मैंने डाला तेज पत्ता, और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो पीस के भी ले सकते हैं, बट मुझे पिसा हुआ उतना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं ये कट कर देती हूँ। क्योंकि कट किया हुआ और पिसा हुआ प्याज दोनों का अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है, तो इस वजह से आपको जो अच्छा लगता है आप उस हिसाब से कर लीजिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर प्याज को भूनूंगी, जैसे कि हर सब्जी बनाने के पहले प्याज को हल्का भूनते हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। और यहाँ पे मैं बेटी को दे रही हूँ ये किसान का मैंगो जूस मिक्स करके, एक्चुअली वो खेल के आई है, तो वो को कुछ चाहिए था पीने के लिए, तो मैंने इसको वही दिया। और प्याज को थोड़ा भून लेने के बाद कटा टमाटर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, और उसमें मैं डालूँगी साथ में ही हल्दी, और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक आप बाद में भी तो देना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो टमाटर प्याज को अच्छे से गला देगा और कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी अच्छे से ये टमाटर प्याज हो चुकी है रेडी, और उससे रेडी हो जाने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी ये आलू और भिगाए हुए चने के दाल, और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में ही यहाँ मैंने डाल दिया है नमक, अपने टेस्ट के अनुसार से आप यहाँ पे नमक डाल लीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने पहले भी नमक दिया तो उस हिसाब से आप डालें। और इसको डालने के बाद मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे से 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनूंगी। और उसके बाद ये है किचन किंग मसाला, ये टाटा संपूर्ण का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आप कोई भी मसाला ले लीजिए, जो भी आप डेली अपने सब्जी बनाने में जो भी बेसिक मसाले होते हैं हर घर में अवेलेबल, वो डाल लीजिए। इसका इसके लिए कोई खास मतलब मसाला रेडी नहीं करना होता है, तो आपको जो भी हो आप वो डाल लीजिए। और उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद आपको अगर ग्रेवी थोड़ी चाहिए तो आप उसी अनुसार से रखिए। मैं यहाँ पे हल्की ग्रेवी वाली मतलब कि कम ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो मैंने इतना ही पानी डाला और उसे कुकर को सीटी लगाने के लिए रख दिया। तो जब तक ये रेडी होता है तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम में जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए थे चाय नाश्ता कर लेने के बाद उसको मैं धो रही हूँ, और कुकर में भी इधर सीटी आ रही है, तो हमें 2 सीटी आने देना है हाई फ्लेम पे। और 2 सीटी के बाद आप इसे मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करें, और फिर आप वापस से खोल के देख लें, अगर आपकी दाल नहीं गली है तो आप वापस से इसे कुक कर लें। तो मेरा तो ये इतने देर में हो जाता है। और साथ में यहाँ पे मैंने आटा भी गूंथ के रख लिया, तो जो कि मैं रोटी खाने के टाइम पे सेकूंगी। और मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है, मैं आपको थोड़ी देर में इसको दिखाती हूँ कि इसका क्या हाल है। और सब्जी बन लेने के बाद मैं आ गई इधर बेटी के पास, और ये अभी देख रही है टीवी। और ये देखिए सब्जी बन जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए सब्जी बनने के बाद कुछ ऐसे दिखती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास लॉकडाउन में घर में सब्जी है अवेलेबल नहीं है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो यहाँ पे डिनर कर लेने के बाद मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हल्दी वाला दूध पीते हैं, और उसके बाद मैं दही जाम देती हूँ, जो कि ये डेली का रूटीन है डिनर कर लेने के बाद मेरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो प्लीज़ प्लीज़, और मिलती हूँ आपको नए वीडियो में। अच्छा आप बोल दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 नेक्स्ट वीडियो। और लाइक कमेंट करिए, और इस हरे बटन लाल बटन को दबाइए, और घंटी को टिंग टिंग करिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए।
वीडियो को कैसे लाइक करना है? मुझे याद नहीं है, ऐसे और ऐसे भी वो ऐसे तो नॉर्मल। अच्छा, लाइक कीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, डिलीट मत करिएगा। नहीं पर भी पसंद आए तो फिर भी लाइक कर सकते हैं, जैसे मेरी मम्मी भी बोलती है। हाँ चलो।